फिलहाल ये इसका गेट है, अब हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। और यहाँ पर ऊपर सावधानी से आइएगा क्योंकि यहाँ पर सब टूटा फूटा है। फाइनली हम वो मंदिर में पहुँच चुके हैं। देख लीजिए यहाँ पर एक गुफा मौजूद है। यहाँ का जो कलाकृति है वो बहुत ही फेमस है क्योंकि ये उड़ीसा है। जी गाइस, ये उड़ीसा का कलाकृति है। पसीना, मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया है। अब फिलहाल हम नीचे चलते हैं और नीचे से आपको वो वाला मंदिर दिखाते हैं। तो आप आइए हमारे साथ नीचे चलते हैं अभी। तो गाइज पीछे ऐसा और भी है, पर इतने सारे दिखाने से वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ आपको दूर से ही दिखा देता हूँ। ये भी इसी तरह एक है, पर वहाँ पर कोई भी मंदिर वगैरह नहीं है। और वहाँ पर एक कुछ है, वहाँ पर आप जाएंगे, पहले आपको वो वाला मंदिर दिखा देता हूँ। तो गाइज फिलहाल ये सीढ़ी है नीचे जाने के लिए, अब हम नीचे चलते हैं और आपको वो वाला मंदिर दिखाएंगे अभी। यहाँ पर एक गौतम बुद्ध जी की मूर्ति भी है, इसका भी सर है, पर यहाँ पर बहुत सारे मूर्ति और भी है जिसका सर नहीं है। और यहाँ वहाँ पर देखिए बहुत बड़ा सर रखा हुआ है गौतम बुद्ध जी की। और चलिए अब मंदिर फाइनली चलते हैं। फाइनली हम वो मंदिर में पहुंच चुके हैं, अब इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बाहर से जो स्वामी गौतम बुद्ध जी की बहुत बड़ा मूर्ति दिख रहा है हमें, और हम अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं। आइए अंदर आइए, ये देखिए अंदर से क्या है। यहाँ पर साउंड शायद इको हो रहा है। यहाँ पर जो मूर्ति है वो बहुत ही बड़ा है, शायद इसे जो देखिए यहाँ पर कट लगा हुआ है, शायद इसे जब मिट्टी से निकाला गया होगा तब से यहाँ पर काट के निकाला गया होगा और उसके बाद यहाँ इसको जोड़ दिया होगा। और यहाँ पर देखिए एक गुफा मौजूद है। यहाँ पर गाइस आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर एक गुफा मौजूद है और ईसो भी एक गुफा मौजूद है। आप देख लीजिए गाइस, इसके अंदर बहुत ही बड़ा गुफा मौजूद है और ईसो भी एक गुफा मौजूद है। देखिए जरा एक और गुफा ईसो भी मौजूद है, देखिए दोनों ही और एक गुफा मौजूद है। और चलते हैं उस ओर, अब बाहर आ जाइए। तो गाइस यहाँ पर आइए, यहाँ ये एक रूम है जो पहले जमाने में यहाँ पर शायद ही यहाँ पर लोग रहते होंगे। ये देखिए ये एक रूम है, बट इसका जो है छत नहीं है। तो गाइस मैं ऊपर से जो व्यू आपको दिखा रहा था जो रूम का, वो ये रूम है और शायद इस साइड और एक भी रूम है, पर इसके अंदर जाने के लिए जो रास्ता नहीं है तो हम इसके अंदर नहीं जा सकते। पर इस रूम में हम आ सकते हैं और आपको आकर दिखा चुके हैं कि ये रूम कैसा है। तो अब दूसरे ओर चलते हैं, आप दिखाते हैं कि दूसरे ओर क्या है। तो पर ये शायद क्या है मुझे ही पता नहीं, शायद कोई छोटा बड़ा मंदिर होगा, पर इसके अंदर कोई भी मूर्ति नहीं रखा हुआ है, शायद इसे म्यूजियम में लेकर रखा हुआ है। पर उसके अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं, हम आपको लेकर नहीं दिखा सकते, पर हम जाकर देखेंगे कि इसके अंदर सच में मूर्तियाँ वगैरह है या नहीं। और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ का जो कलाकृति है वो बहुत ही फेमस है क्योंकि ये उड़ीसा है। जी गाइस ये उड़ीसा का कलाकृति है, ये बहुत ही पुराना कलाकृति है। तब के टाइम में इतना जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप नहीं हुआ था इस तरह का चीज़ बनाने के लिए, बट उस टाइम ये सब कैसे बनाया गया वो तो हमें पता नहीं, पर ये ही बहुत ही शानदार लगता है देखने के लिए, इसीलिए ये जो जगह है वो फेमस हो गया है। इसी जो कलाकृति को देखने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पर चारों ओर ऐसा ही कलाकृति बना हुआ है, आप जाकर दिखाते हैं, चारों ओर ऐसा ही कलाकृति है। तो चलिए दूसरे ओर चलते हैं।
कि आपको घुमाकर सब कुछ दिखा सके, पर ये लास्ट में एक बच्चा हुआ था और अब हम इसे आपको दिखाएंगे और अब सीधा जाएंगे घर। ये एक मंदिर है, इसके अंदर बोले तो कुछ भी नहीं है भाई, बेकार में यहाँ पर हम आए, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। थोड़ा मैं भाई को बोल रहा हूँ कि थोड़ा उसका मोबाइल का लाइट जो है ऑन करें। तो फिलहाल ये एक मंदिर है और इस मंदिर में साउंड इको हो रहा है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है। शायद इसे यहाँ पर जो मूर्ति था उसे लेकर म्यूजियम में रख दिए हैं। तो अब हम जाएंगे म्यूजियम में, उसके अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता, बट मैं चलता हूँ उसको देखता हूँ और घर जाता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका हूँ और पसीना, मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया है, तो मैं अब और वीडियो नहीं बना सकता। तो चलते हैं जाकर घर और देखते हैं क्या होता है।